हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ेंगे बीए सोशियोलॉजी का चैप्टर ट्राइबल सोसाइटी के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे ट्राइबल सोसाइटी के फीचर्स और अलग अलग ट्राइब्स के बारे में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देयर इज़ वन सिविलाइजेशन इन आवर कंट्री विच लिव्स वेरी मच अवे फ्रॉम आवर सिविलाइजेशन एंड माउंटेन्स फॉरेस्ट वैलीज एक्सेट्रा। दिस सिविलाइजेशन इज़ नोन एज ट्राइबल सोसाइटी। तो ये एक ऐसी सोसाइटी है, और यूँ कह लो कि एक ऐसी सिविलाइजेशन है हमारी कंट्री में जो कि माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट में रहती हैं। ये एक ऐसी सोसाइटी है जो ना ही अर्बन सोसाइटी में आती है और ना ही रूरल सोसाइटी में। यानी कि ये सोसाइटी रूरल और अर्बन इन दोनों सोसाइटी से दूर रहती हैं, और इनकी इस अलग सोसाइटी को ट्राइबल सोसाइटी कहते हैं। दीज ट्राइब्स हैव बीन गिवन द नेम ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये जो ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। ट्राइबल सोसाइटी इज़ क्लासलेस सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटी है क्लासलेस सोसाइटी है, मतलब कि इस सोसाइटी में क्लास नहीं है, कोई भी तरह का मतलब अपर क्लास नहीं है, ना ही किसी का लोअर क्लास है। सो दे ऑल आर इक्वल। ट्राइब वॉज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप इन एंशियंट सोसाइटीज़। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी लिव आइदर ऑन माउंटेन्स और इन फॉरेस्ट। दो गाइस, पहले की टाइम में ट्राइब एक ऐसा सोशल ग्रुप माना जाता था जो उस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंस रखता था अपने में ही। तो इस सोसाइटी की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो या तो माउंटेन्स में रहती है और या तो वो फॉरेस्ट में रहती हैं। दीज सोसाइटीज़ आर जनरली सेल्फ डिपेंडेंट विच आर कंट्रोल्ड बाई देमसेल्व्स एंड आर अवे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कंट्रोल। ये जो सोसाइटीज़ हैं ये जनरली सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब कि इन सोसाइटीज़ में जो रहने वाले लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, और इन लोगों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्राइबल सोसाइटीज़ आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज़। इसका मतलब ये है कि इन सोसाइटीज़ का जो स्ट्रक्चर है और इनका जो कल्चर है वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है अर्बन एंड रूरल सोसाइटी के कल्चर से। नाउ वी कैन डिवाइड देम इन थ्री कैटेगरीज। तो यहाँ जिस देम वर्ड की बात की गई है, देम से मतलब है वो लोग जो इन ट्राइबल सोसाइटीज़ में रहते हैं। तो जो ट्राइबल पीपल हैं वो अपनी नीड्स और विशेस को पूरा करने के लिए इन एक्टिविटीज़ को करते हैं, जैसे कि पहला है हंटर्स, फूड गैदरर्स एंड फिश कैचर्स, यानी वो लोग जो हंटिंग करते हैं, फूड गैदरर्स हैं और फिश पकड़ते हैं। सेकेंडली पीपल एंगेज्ड इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी कि वो लोग जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। यहाँ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से मतलब है जिनके पास एग्रीकल्चर के लिए कोई फिक्स लैंड नहीं है। अब तीसरा है पीपल एंगेज्ड इन परमानेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि वो लोग जो परमानेंट एग्रीकल्चर करते हैं, जिनके पास फिक्स्ड लैंड है अपनी के फीचर्स। तो पहला फीचर जो यहाँ दे रखा है वो है कलेक्शन ऑफ फैमिलीज। एनी ट्राइब इज़ अ ग्रुप ऑफ मेनी फैमिलीज विच हैज़ कॉमन प्रोड्यूसेस। दे प्रोड्यूस थिंग्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द ट्राइब। दीज फैमिलीज हैज़ द सेंस ऑफ यूनिटी अमंग देमसेल्व्स। तो इसमें जो बताया गया है वो ये है कि जो ट्राइबल सोसाइटी है वो एक ऐसा ग्रुप है फैमिलीज़ का, जिसमें कोई भी ट्राइब है उसमें काफ़ी सारे फैमिली ग्रुप्स हैं, फैमिलीज जिनके कॉमन प्रोड्यूस हैं, यानी कि लोग चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनसे वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। और ये फैमिलीज़ हैं, इनमें सेंस ऑफ यूनिटी है, यानी कि एकता है। Now we'll talk about common geographical territory. People of a tribe live in a common and definite geographical territory. Means कि ये जो society है और इन society में जो लोग हैं वो सभी लोगों के पास एक common geographical territory है। They are out of the reach of the rest of society. ये लोग हमारे society से बहुत दूर रहते हैं, जहाँ urban और rural society exist नहीं करते। They have their own different culture and they never like the interference of anyone in their tribe. That's why they never like to keep any type of relation with the rest of society. ये जो ट्राइबल सोसाइटी है गाइस, इनमें जो ट्राइबल लोग रहते हैं इनका अपना एक अलग कल्चर है, और ये लोगों का किसी के भी इंटरफेरेंस इनके मैटर्स में ये पसंद नहीं करते। इसलिए ये दूसरे सोसाइटी को के साथ कोई भी मतलब रिलेशन नहीं रखते, और ना ही ये रिलेशन रखना पसंद करते हैं। दे हैव देयर ओन डिफरेंट वर्ल्ड, इनकी एक अपनी ही अलग दुनिया है। दे हैव अ कम्युनिटी फीलिंग बिकॉज दे लिव इन अ सेम टेरिटरी। इन लोगों में कम्युनिटी फीलिंग होती है क्योंकि ये सेम टेरिटरी में रहते हैं।
common language and common name. Each tribe has its own different language because of which they are different from each other. इसमें बताया गया है कि हर ट्राइब की अपनी एक अलग लैंग्वेज है जिससे ट्राइब्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं. नंबर ऑफ़ ट्राइबल लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ ट्राइब्स. ईच ट्राइब ऑल्सो हैज़ इट्स डिफरेंट नेम एंड इट इज़ नोन बाय दैट नेम. तो जो हमारी कंट्री में जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उन ट्राइबल लैंग्वेजेस में के अकॉर्डिंग डिफरेंट ट्राइब्स हैं और हर एक ट्राइब का एक डिफरेंट नेम है एंड ट्राइब को इसके नेम से जाना जाता है. अब यहाँ नेक्स्ट दे रखा है सेगमेंट्री सोसाइटी. ईच ट्राइबल सोसाइटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटी ऑन मेनी बेसिस लाइक वेज ऑफ ईटिंग, हैबिट्स, लैंग्वेजेस, जियोग्राफिकल एरिया एक्सेट्रा. तो हर एक ट्राइबल सोसाइटी डिफरेंट है दूसरे ट्राइबल सोसाइटी से ऑन मेनी बेसिस लाइक उनका वेज ऑफ ईटिंग, खाने का तरीका उनका अलग होता है, हैबिट्स से अलग हैं वो लोग, लैंग्वेजेस से अलग हैं क्योंकि हर ट्राइबल सोसाइटी की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है, उनका जियोग्राफिकल एरिया भी अलग है. सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन मेनी बेसिस एंड नेवर लाइक टू इंटरफेयर इन ईच अदर्स मैटर्स. दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद एनीवन. इस सोसाइटी में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी के भी साथ, इसलिए इसे सेगमेंट्री सोसाइटी कहते हैं. अब नेक्स्ट है कॉमन कल्चर. ईच ट्राइब हैज़ इट्स डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग, रिलीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा, बट दीज आर सेम इन वन ट्राइब. इसका मतलब ये है कि हर ट्राइब का अपना एक वे है, अपना एक तरीका है ज़िंदगी जीने का, अलग रिलीजन है, अलग लैंग्वेज है, बट ये एक ट्राइब में सेम है और दूसरे में अलग. इन द सेम वे बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेज ऑल द मेम्बर्स ऑफ वन ट्राइब हैव द सेम कल्चर. इन ट्राइबल सोसाइटी में डिफरेंसेज ज़रूर हैं लेकिन हर एक मेम्बर का कल्चर सेम ट्राइब में कॉमन है. अब बात करते हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन की. ईच मेम्बर ऑफ अ ट्राइब गिव्स फुल कोऑपरेशन टू अदर मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी सो दैट ऑल द नीड्स ऑफ अ ट्राइब कुड बी फुलफिल्ड. ट्राइब का हर मेम्बर फुल कोऑपरेशन देता है ट्राइब के दूसरे मेम्बर को ताकि ट्राइब से रिलेटेड जो भी नीड्स हैं वो पूरी हो सकें. इफ़ एनी मेम्बर ऑफ अ ट्राइब इज़ बींग थ्रेटन्ड बाई मेम्बर्स ऑफ अदर ट्राइब then the other member of first tribe gives their full cooperation to their friend to fight with the other tribe. अगर किसी एक ट्राइब का मेंबर दूसरे ट्राइब के मेंबर परेशान कर रहा है, अगर वो दूसरा मेंबर जो है वो उसे परेशान कर रहा है, तो पहले वाले ट्राइब का जो दूसरा मेंबर है अपने फ्रेंड को फुल कोऑपरेशन देता है और अपने ट्राइब के लिए फाइट करते हैं दूसरे ट्राइब के मेंबर के साथ. इनकी यही चीज़ शो करती है कि इनमें म्यूचुअल कोऑपरेशन है. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ हेडमैन एंड दे गिव रिस्पेक्ट ड्यू टू दिस. ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब बिकम लॉयल टू देयर ट्राइब. ट्राइबल सोसाइटी में एक हेडमैन होता है जो हेडमैन की ड्यूटीज़ करता है, डिसिप्लिन रखता है, और इसीलिए ट्राइबल पीपल अपने हेडमैन की रिस्पेक्ट करते हैं. सारे ट्राइबल मेंबर्स अपने ट्राइब के लिए लॉयल होते हैं. तो गाइस अब हम बात करेंगे डिफरेंट ट्राइब्स की. तो यहाँ सबसे पहला ट्राइब है मुंडास ट्राइब. मुंडास ट्राइब एग्जिस्ट जनरली इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा. अराउंड 62% पॉपुलेशन ऑफ मुंडास ट्राइब लिव्स इन बिहार. तो गाइस जो मुंडास ट्राइब है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में एग्जिस्ट करता है. अराउंड 62% जो पॉपुलेशन है मुंडास ट्राइब की बिहार में पाई जाती है. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस ट्राइब इज़ एग्रीकल्चर. ट्राइब की मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है. इट इज़ नोन एज वन ऑफ द एंशियंट ट्राइब ऑफ द कंट्री. मुंडास ट्राइब बहुत पुरानी ट्राइब है हमारे कंट्री की. सम ऑफ इट्स एजुकेटेड मेम्बर्स हैव गॉट द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल जॉब्स. दीज पीपल बिलीव इन सिंगबोंगा गॉड. इस ट्राइब के कुछ मेम्बर्स एजुकेटेड हैं और जो एजुकेटेड मेम्बर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल जॉब्स अवेलेबल हैं. मुंडास ट्राइब के लोग जो हैं वो सिंगबोंगा गॉड को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं. 19% population of the Munda tribe is educated. Their main language is Mundri. Their population is around 20 lakh. Munda's tribe की जो 19% population है वो educated है. इस tribe की जो main language है वो है Mundri. And इस tribe की total population around 20 lakh है. Khons. Khons tribe generally exists in the states of Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar, Odisha, Andhra Pradesh, West Bengal, etc. In Andhra Pradesh, it is known as Khons. They believe in the world of spirits. Guys, Khons tribe generally Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar, Odisha, Andhra Pradesh or West Bengal mein exist karti hai.
आंध्र प्रदेश में इस ट्राइब को कोन्स के नाम से जाना जाता है। कोन्स ट्राइब के जो ट्राइबल लोग हैं वो सुपरस्टिशियस हैं, मतलब कि अंधविश्वासी हैं। दे लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, दे स्पीक कोदी सब लैंग्वेज। दीज पीपल लिव देयर लाइफ विद द हेल्प ऑफ फ्रूट्स एंड रूट्स। इस ट्राइब में जो लोग हैं वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, मीन्स कि बहुत सिंपल हैं। इनकी सब लैंग्वेज कोदी है। ये लोग लाइफ जीने के लिए मीन्स अपनी लाइफ की बेसिक नेसेसिटी यानी फूड, फ्रूट्स एंड रूट्स की हेल्प से अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स एंड रूट्स से ही इन्हें अपना खाना मिलता है। अर्लियर दे वर लिविंग अ नोमैडिक लाइफ, बट नाउ दे आर लिविंग परमानेंटली इन वन प्लेस, इन प्लेन्स एंड माउंटेन्स। बिकॉज नाउ दे आर लिविंग परमानेंटली एट वन प्लेस, दैट्स व्हाई दे हैव स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर टू अर्न देयर लिवलीहुड। पहले के टाइम में लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे, जिसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जाते थे। मतलब अब लोग परमानेंटली रह रहे हैं प्लेन्स एंड माउंटेन्स में, क्योंकि अब ये लोग परमानेंटली रह रहे हैं, तो इसलिए अब ट्राइबल पीपल अपने लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं गोंस ट्राइब की। गोंस, दिस ट्राइब जनरली एग्जिस्ट्स इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। द 15% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन बिलोंग्स टू गोंस ट्राइब। दीज पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट। सो गाइज, ये ट्राइब जनरली मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में एग्जिस्ट करती हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन का 15% गोंद ट्राइब को बिलोंग करता है। जो गोंद ट्राइब के लोग हैं एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं। देयर मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। दीज पीपल ऑल्सो मीट देयर नीड्स बाय हंटिंग, कैचिंग फिश एंड बाय कलेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट। देयर ओन रिलीजन इज गोंद, बट सम ऑफ देम बिकेम क्रिश्चियंस अंडर द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। गोंद ट्राइब की मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। ट्राइबल पीपल अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं एंड फॉरेस्ट में से जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको कलेक्ट करते हैं। इन लोगों का रिलीजन गोंद है, बट कुछ ट्राइबल पीपल ऐसे हैं जो क्रिश्चियंस हैं, और ऐसा ब्रिटिशर्स की वजह से है। दीज पीपल स्पीक गोंदी लैंग्वेज। दे हैव देयर ओन लॉज एंड देयर ओन पंचायत टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। मैनी गोंद्स डू एग्रीकल्चर, बट सम ऑफ देम हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू डू फार्मिंग। सो गाइज, इनकी मेन लैंग्वेज गोंदी है। इनकी खुद के लॉज हैं और पंचायत हैं जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। मोस्ट ऑफ द गोंद्स एग्रीकल्चर करते हैं और कुछ गोंस फार्मिंग करते हैं। दोज पीपल ऑल्सो कैचेस फिशेज, आर डूइंग हंटिंग एंड आर कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। दे हैव देयर ओन लॉज इन पंचायत टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। भिल्स, सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, हुज पॉपुलेशन इन 1981 वॉज अराउंड 53 लाख। दिस ट्राइब लिव्स इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा एक्सेट्रा। देयर लैंग्वेज इज भीली सब लैंग्वेज। सो गाइज, भिल सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है हमारी कंट्री का, जिसकी पॉपुलेशन 53 लाख थी 1981 में। ये ट्राइब जनरली मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा में पाई जाती है। इस ट्राइब की लैंग्वेज भिली है। देयर इकोनॉमिक लाइफ मेनली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। सम पीपल ऑल्सो डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट एंड कलेक्ट थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट। दीज पीपल ऑल्सो डज हंटिंग। भिल ट्राइब में जो रहने वाले लोग हैं उनकी इकोनॉमिक लाइफ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। कुछ लोग जो हैं फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं। वो फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको ये लोग कलेक्ट करते हैं और यही लोग हंटिंग भी करते हैं। देयर कल्चर एंड रिलीजन बोथ आर एंशियंट इन नेचर। दे डोंट लाइक टू गेट एजुकेशन एंड दैट्स वाई वेरी फ्यू पीपल आर एजुकेटेड। इस ट्राइब का कल्चर और रिलीजन पुराना है। यहाँ के लोग पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद नहीं करते, मींस उन्हें एजुकेशन पसंद नहीं है, और इसी वजह से वहाँ के लोग थोड़े कम एजुकेटेड हैं। संथल्स, थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया इज संथल। दिस ट्राइब एग्जिस्ट्स इन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। देयर मेन लैंग्वेज इज संथली। सो गाइस, संथल थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है हमारी कंट्री का, जो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में पाया जाता है। इस ट्राइब की लैंग्वेज संथली है। इन एंशियंट टाइम्स
These people were fulfilling their needs by hunting, catching fish, and by collecting things from forest. But now they are fulfilling needs by doing agriculture, and their problems have been solved by their own panchayat. These people worship the sun god. पहले के टाइम में लोग अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे और फॉरेस्ट से चीज़ें कलेक्ट करते थे. बट अब लोग अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर कर रहे हैं और इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पंचायत सॉल्व करती है. ये लोग सन गॉड को वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं उनकी. द मीनिंग ऑफ मैरिज अमंग देम इज़ द कनेक्टिविटी ऑफ द फैमिलीज. Marriage also exists in these families. Santhal woman also has the right to take her share in father's property, and she takes her share of property at the time of her marriage. Custom of bride price is also there. So guys, इस tribe में marriage का meaning families का एक दूसरे से connect रहना है. In families में love marriage. Meenas tribe exists in some parts of Rajasthan and Madhya Pradesh. Out of total population of Rajasthan, 50% belongs to Meenas tribe. Its main occupation is agriculture. So guys, Meenas tribe एक ऐसी tribe है जो Rajasthan और Madhya Pradesh में पाई जाती है. राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन में से अगर देखा जाए तो 50% पॉपुलेशन मीनास ट्राइब से बिलोंग करती है. इस ट्राइब की मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है. दिस ट्राइब थिंक्स इटसेल्फ एज हिंदू एंड इज टेकिंग द सर्विसेज ऑफ ब्राह्मण्स एट मेनी ओकेजन्स लाइक बर्थ, मैरिज, डेथ एक्सेट्रा. द लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी लो इन दिस ट्राइब. दिस पीपल स्पीक खाई सब लैंग्वेज. विडोज ऑल्सो हैव द परमिशन टू रीमैरी. इस ट्राइब के लोग जो हैं वो ब्राह्मण्स यानी हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं. इनकी ट्राइब की जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत लो है. इस ट्राइब के लोग खाई नाम से एक लैंग्वेज है वो बोलते हैं. एंड विडोज़ को भी परमिशन है कि वो रीमैरी कर सकती हैं, मींस कि दोबारा मैरिज कर सकती हैं. अब आते हैं हमारे लास्ट ट्राइब पर जो कि है ओराउंड. ओराउंड ट्राइब जनरली एग्जिस्ट इन मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा. दीज पीपल जनरली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर. पीपल ऑफ ओराउंड ट्राइब वर्शिप सन गॉड. गाइस, ओराउंड ट्राइब जनरली मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती है. इस ट्राइब में लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं. जो ओराउंड ट्राइब के लोग हैं वो सन गॉड की पूजा करते हैं. People also believes magic and mantras. These people generally speak Kurak language. At the time of illness, Ojha takes care of them, and Ojha also performs the functions of priest.